हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलवे चबाना और करने जा रहे हैं हम अप्रैल 2023 के लिए मंथली रीडिंग, मासिक राशि फल देखने जा रहे हैं और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। इसी में मैं आपके लिए लव रीडिंग भी करूंगी, इसी में हेल्थ, करियर और आपकी फैमिली लाइफ और फाइनेंसेस, हर चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक राशि करके। हमारी 12 राशियां, हम 12 राशियों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके लिए मैं 3 डेक्स यूज करने जा रही हूँ। एक तो हमारा जो राइडर वेट का ये आपका डेक है, जिससे कि मैं हमेशा प्रिडिक्शन करती हूँ और मुझे सबसे अच्छा लगता है ये वाला डेक, इसको यूज करेंगे। दूसरा आप ही के सामने मैंने शफल कर दिया, अब ये स्प्रेड करके इसी में से मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स करना शुरू करूंगी। हमारा जो दूसरा डेक है, दूसरा डेक जिससे कि मैं लव रिलेशनशिप्स के लिए देखूंगी, इस डेक से मैं देखूंगी कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है अप्रैल के मंथ में, ठीक है। और उसके बाद इसको भी हमने शफल कर लिया, अच्छे से शफल कर लिया, ठीक है। अब हम इसको भी स्ट्रेट कर देते हैं। और इसके बाद हमारा जो तीसरा गाइडेंस का जो डेक है, वो ये वाला डेक है। इससे हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में डिवाइन आपको क्या सजेशन दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको आखिर करना क्या है। ये जो है भी जनरल रीडिंग होने वाली है, मंथली मासिक राशिफल जो है जनरल रीडिंग होने वाली है। और ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ कंप्लीटली जो है रेजोनेट करे, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। अब आप पूछेंगे कि कौन सी राशि से हम अपना ये राशिफल देखें। सबसे पहले तो मैं कहती हूं, अगर आपको लग्न कुंडली का लॉट पता है, दैट इज द बेस्ट। हाँ, क्योंकि जिस वक्त हमारी जो भी जिसकी भी पैदाइश होती है, तो उस वक्त कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो लग्न है, जो फर्स्ट हाउस में आपकी राशि है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा निर्भर करती है। और वो ग्रह, वो राशि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। अगर आपको सही समय नहीं पता, अपनी जन्मतिथि नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कौन सी तारीख को ही हुए थे, या आपको सिर्फ मंथ पता है, तो उस केस में फिर आप चंद्र राशि के लिए जा सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 से 3 दिन में ट्रांजिट होता है, घर बदलता है, तो चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं मालूम, तो आपको अगर जो है मंथली पता है आपको कौन से मंथ में आप पैदा हुए, तो आप वेस्टर्न जोडिक साइन, सन साइन के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं कि आपकी कौन सी राशि है, और उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। चौथे जो तरीका है वो है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो मोस्टली लोगों के नाम जो पैदाइश के टाइम पंडित जी नाम बताते हैं, उसके अकॉर्डिंगली होता है। अदरवाइज भी जिन लोगों की पैदाइश के अकॉर्डिंगली नाम फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम उस अक्षर से नहीं है, तब भी कहीं ना कहीं वो आपको रेजोनेट करता है, उसके अकॉर्डिंगली भी आप अपना राशिफल जो भी है वो आप देख सकते हैं। ये कंप्लीटली आपको डिसाइड करना है। आपने एक राशिफल देखा, उसके से आप रेजोनेट नहीं हुए, तो आप दूसरी राशि देख लीजिए। और कई बार अगर आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली राशिफल नहीं जा रहा है, तो प्लीज स्किप इट, ठीक है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर किसी की लाइफ, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, ठीक है। तो हम करने जा रहे हैं टैरो के अकॉर्डिंगली आपका मंथली राशिफल अप्रैल मंथ 2023 के लिए। अब आप लोगों से गुजारिश है, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, या आप हर बार देखते हैं बट ये जो है सब्सक्राइब करने वाला बटन भूल जाते हैं, होता है कई बार देखते 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 ध्यान से निकल जाता है और आप नेक्स्ट जो उस पर चले जाते हैं वीडियो पे, तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा दूसरे लोगों से, ताकि उनका भी भला हो। और जो मैं रेमेडीज बताती हूँ आपके यूट्यूब पे, उनको जरूर आप फॉलो करिएगा। आप फॉलो करना चाहते हैं, मेरे प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं, तो जरूर से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, या फिर जरूर से ऑर्डर भी कर सकती हूँ। आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, जल्दी जल्दी कर दीजिए।
और फिर बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि मैं पोस्ट करूं वीडियो और वो तपाक से आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं राशि फल मंथली। बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। लियोज सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं अप्रैल 2023 का महीना क्या एनर्जीज लेके आ रहा है, उनके लिए कैसा समय रहने वाला है। तो उनके लिए भी हम चार कार्ड्स निकाल लेते हैं इस डेक में से हमारे लियोज के लिए। ठीक है, ओके एंड ओके। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके लिए लव कार्ड्स क्या आ रहे हैं, लव रीडिंग के लिए, रिलेशनशिप के लिए आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। फाइन, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके एंजल डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपको सबसे पहला कार्ड मिला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई ना कोई चैप्टर खत्म होगा और कोई ना कोई नई शुरुआत होगी। बहुत समय से चला आ रहा कुछ चैप्टर, आप उसको सिचुएशन को, उस इशू को, उस जो भी चल रहा था उसका खात्मा होगा आपकी जिंदगी में। उसके बाद आपका नेक्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो खात्मा होने के बाद आप अपने आप को थोड़ा सा लो फील करेंगे, आपको लगेगा स्तब्ध हो जाएंगे, आप एक तरह से कह सकते हैं स्तब्ध हो जाएंगे आपके, अरे ये क्या हुआ मेरे साथ, ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया, शॉक एक लगेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या डिसीजन ले, ये सोचना शुरू कर देंगे। बट नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये आपके लिए आपके गुड कर्मास को जरूर पे करेगा। ये बताता है समय का पहिया है और सबको कर्मों के अकॉर्डिंगली मिलता है, आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो आपके अच्छे कर्म कहीं पे जाया नहीं जाएंगे, आपको सारी खुशियां मिलेंगी। नेक्स्ट कार्ड आ गया 5 ऑफ वैंड्स। वो कहता है कहीं पे कि कॉम्पिटिशन, बहुत सारे एनिमीज कॉम्पिटिटर्स आपके सामने खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा चैलेंजिंग वाला जो सिचुएशन रहने वाला है हमारे लियोस के लिए, लेकिन क्योंकि वो लियोस हैं दहाड़ मार के आगे निकल जाएंगे। तो दिख रहा है कि कोई सिचुएशन के खत्म होने के बाद वो थोड़ा अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को संभालेंगे और संभाल लेंगे। यानी कि अपने इमोशनल जो उनकी दरवाजा, इमोशनल दरवाजा, उसको बंद कर देंगे और प्रैक्टिकल हो जाएंगे और एक्सेप्टेंस मोड पे आ जाएंगे। और उनको जो है कौन एक्सेप्टेंस मोड पे लाएगा और कौन आगे बढ़ेगा, वो है व्हील ऑफ फॉर्चून, उनके कर्मास, गुड कर्मास, एंड देन वो आगे बढ़ चलेंगे। कॉम्पिटिशन है फिर भी। हेल्थ में बिल्कुल ध्यान रखना है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना, सर्वाइकल पेन हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, चोट लग सकती है, कहीं फिसल सकते हैं, स्लिप डिस्क हो सकता है, जरूर ध्यान रखिएगा अपना कि ऐसा कुछ ना हो जाए। रिलेशनशिप्स में कुछ, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ रिलेशनशिप खत्म हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ रिलेशनशिप्स में कुछ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो खत्म हो गई, ये भी दिखता है। ये भी दिखता है कि बहुत टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है किसी लोगों के साथ, अपने रिलेटिव्स वगैरह में, वो अचानक आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। ये भी दिखता है कि बहुत टाइम से आप सोच रहे थे, डल हो रहे थे, आपका मन नहीं कर रहा था काम करने में, लेकिन आप बिल्कुल व्हील ऑफ फॉर्च्यून की वजह से आप पॉजिटिव हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे और आपके सामने चीजें, सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, कौन है अपना, कौन है पराया, ऐसा भी दिख रहा है। फिर ऐसा दिख रहा है करियर के अंदर बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत ज्यादा फूक फूक के कदम रखिएगा, कोई भी डिसीजन बहुत ध्यान से आप लीजिएगा। अगर हम देखें आपके लिए लव रीडिंग, लव रीडिंग के लिए हम देखते हैं आपको पहला कार्ड आता है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत स्ट्रेस। ठीक है, देन आपको आता है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सारे स्वॉर्ड्स आ रहे हैं क्या, नहीं। फिर तीसरा कार्ड आता है जस्टिस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया, कहीं ना कहीं आपकी जिद रहेगी, कहीं ना कहीं आपकी हट रहेगी और बाद में आपको जस्टिस मिलेगा ही, आपकी सूझ बूझ जस्टिस दिलाएगी। आपके पार्टनर के साथ ऐसा लग रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, बहुत टाइम से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे को प्रूव करने के चक्कर में है, मैं सही और एक दूसरे को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एंड में जाके बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको जरूर जस्टिस मिलेगा, जो सही है
उसकी बात मानी जाएगी। और एक कार्ड और निकाल लें तो आगे आपको टू ऑफ वैंड्स और जो है कहते हैं मुलाकात का टाइम पास आने लगेगा, यानी कि जो आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंसेस थी वो खत्म होने की तरफ बढ़ जाएंगी अप्रैल के महीने में। ठीक है, तो बस अब ध्यान रखिए फाइनेंसेस मुझे ग्रो होते नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये सब छोड़ के बाकी चीजों को छोड़ छाड़ के अपने फाइनेंसेस की तरफ ध्यान दीजिए, उसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसका ग्रोथ मुझे बिल्कुल नजर नहीं आया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बी बोल्ड करेजियस एंड ऑप्टिमिस्टिक, नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन, डू व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। तो लियो के लिए यही कहा जा रहा है कि आप जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है उसके तरफ ध्यान दीजिए, रिलेशनशिप उसने ये कह दिया, वो कॉम्पिटिशन उस तरफ छोड़ दीजिए, आप बस वो करिए जो आपको सही लग रहा है। ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, उसने ऐसे कर लिया, उसने वैसे कर लिया, छोड़ दीजिए, अब आपको क्या सही लग रहा है इनर वॉइस की सुनिए और उसी को फॉलो करिए, दिस इज योर टाइम। तो आपको कैसे लगी ये रीडिंग जरूर बताइएगा, कितना आपके साथ रेजोनेट हुई जरूर बताइएगा, और जरूर मेरे चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, और देखते रहिएगा 111 सोलमेट शबाना। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा, मेरे मोबाइल नंबर पे 9818130040, प्लीज डोंट कॉल, जस्ट व्हाट्सअप योर मैसेज, थैंक यू, इट्स अ पेड सर्विस ओवर देयर, मैंने कहा कहीं फिर भूल जाए।